और अभी हमें भी कुछ पता नहीं है क्या होने वाला है, रिपोर्ट में क्या कुछ होगा इसके अंदर। कानपुर का मेट्रो जो है वो दिल्ली से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आप दिल्ली मेट्रो में गए होंगे, मतलब लेकिन है पूरा गाली, कोई नहीं है यहाँ पे, सन्नाटा। अभी एक गाड़ी निकल गई, हमने उसको जाने दिया, मैंने कहा थोड़ी देर बैठता हूँ यहाँ पे, साफ सफाई बहुत ज़्यादा है। बस हम दो लोग हैं, हम दोनों के अलावा कोई नहीं है तीसरा। कोई एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ मैं, थोड़ा हंसी आ रही मुझे देख के। ये देखिए सिस्टम, आप समझ नहीं पा रहे होंगे सिस्टम का मतलब क्या है। जय श्री राम, गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों को। दोस्तों आप सबका फिर से एक बार स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम हैं कानपुर में, और कानपुर के स्वरूप नगर में है आलीशान बंगला, आप देख सकते हैं। यहाँ मैं क्या करने आया हूँ, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, सब कुछ आज क्लियर हो जाएगा। और पिछले वीडियो का ये वाला वीडियो जो है वो रिप्लाई है, जो मैंने बताया था रक्षाबंधन के दिन मैं किस तरीके से लेट नाइट घर पहुँचा था। तो अभी मैं स्वरूप नगर में हूँ, और ये एक डायग्नोस्टिक सेंटर है रतन MRI करके, तो मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। और कुछ MRI रिपोर्ट्स है जो इसकी शिवम की, वो यहाँ से मुझे लेनी है, क्योंकि उस दिन मुझे नहीं मिल पाई थी। और उन्होंने बोला था कि आप 8 बजे तक अगर यहाँ पर रुकते हैं तो आपको मिल सकती हैं, लेकिन तब भी क्लियर नहीं था। तो अभी मैं सेंटर के अंदर आ चुका हूँ, सुबह सुबह का टाइम है, साफ़ सफाई हो रही है, कोई नहीं है, सिंगल पर्सन विंडो पर बैठे हुए हैं। इनको मैंने अपना बिल दिया है, और ये रजिस्टर से डेटा मैच करके जो भी रिपोर्ट्स हैं वो हमको दे देंगे, और यहाँ से फिर हम आगे चलते हैं, डॉक्टर साहब से मिलेंगे। अभी हम रिपोर्ट लेकर के वापस आ चुके हैं, हाथ में देखिए ये किस चीज़ की रिपोर्ट है, हमारी नहीं है, इसकी है शिवम की। हमने जैसा कि पहले पिछले वीडियो में बताया था कि सब बताएंगे आपको, तो अभी रिपोर्ट वापस लेके आए हैं रतन MRI से, और अभी हम स्वरूप नगर में हैं। पीछे कितना अच्छा गोल चक्कर बना हुआ चौराहे पे, देखिए बहुत सुंदर है। तो इसमें एक्सरे और सारी रिपोर्ट्स है, एक डॉक्टर साहब हैं बहुत अच्छे आसमी करके, उनको कंसल्टेंट्स हुई हैं, तो उनको चल के दिखाएंगे। और अभी हमें भी कुछ पता नहीं है क्या होने वाला है, रिपोर्ट में क्या कुछ होगा इसके अंदर, रिपोर्ट भी और एक्सरे भी है। MRI कैसी क्रिटिकल कंडीशन होता है ये तो आपको पता ही होगा। MRI तब होता है जब डॉक्टर लोग कह देते हैं कि बाहर से आपके बताने से कुछ कंडीशन समझी नहीं जा सकती, तो थोड़ी क्रिटिकल कंडीशन होती है। लेकिन डॉक्टर ने सजेस्ट नहीं किया था, हमने कहा डॉक्टर साहब MRI कराएं, तो उन्होंने कहा तो और अच्छी बात है, तो इस वजह से हमने MRI कराई है। आप पूरा वीडियो देखना, इस वीडियो में हम सुबह 6 बजे घर से निकले थे, और इन शाम तक डॉक्टर साहब से मिलने के बाद तक क्या सारा रहता है सब कुछ बताएंगे। पहले आपको बताया था कि वीडियो किस वजह से नहीं आ पाया था, तो यही वजह थी। ये शिवम और हम दोनों लोग चल रहे हैं, आगे चल के डॉक्टर साहब से मिलते हैं, फिर बताएंगे आपको। तो अभी हम ऑटो पर चल रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कानपुर जो है नगर वो काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरा हो चुका है, पहले से काफ़ी ज़्यादा साफ़ सफाई है, और बड़ा ही सुंदर लगने लगा अभी देखने में। तो दोस्तों अभी हम हैं रेव मोती में, ये सीन देख करके आप पहचान गए होंगे, रिलायंस का मॉल है ये, काफ़ी बड़ा मॉल है, कानपुर के बड़े मॉल्स में इसकी गिनती होती है। रेव मोती का मॉल है ये, सर्वोदय नगर में शायद पड़ता है ये इलाका, सर्वोदय नगर का है जहाँ मैं अभी चल रहा हूँ। और सामने कुछ ट्रेंडिंग मूवी इंडिया की जिनके पोस्टर्स लगे हुए हैं, यानी कि अंदर सिनेमा हॉल भी है इसके अंदर, और काफ़ी अच्छा इलाका है, साफ़ सुथरा इलाका है, पहले से ज़्यादा साफ़ सफाई हो चुकी है अब कानपुर में। दोस्तों अभी हम बैठे हुए हैं वेटिंग हॉल में, क्योंकि अभी डॉक्टर साहब नहीं आए हैं, शायद काफ़ी ज़्यादा पेशेंट हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं अच्छे डॉक्टर साहब हैं, तो काफ़ी पेशेंट का तो आना ही बनता है। सामने देख सकते हैं आप मनोरंजन बॉक्स चल रहा है, कुछ लोग अपने फ़ोन पर व्यस्त हैं इस वक्त। आ चुके हैं रावतपुर मेट्रो स्टेशन, सब कुछ ठीक ठाक रहा, डॉक्टर साहब ने सारी रिपोर्ट्स देख ली, उन्होंने कहा कोई नहीं एक महीने की दवा चलेगी, दिक्कत है लेकिन इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। जब अच्छे डॉक्टर से दिखाते हैं तो थोड़ा खर्चा होता है, लेकिन सजेशन सही देते हैं वो, एक महीने की दवा ले ली है। उन्होंने बताया कि कमर की हड्डी में खिंचाव आया है, और नसों में मांसपेशियों में भी खिंचाव है। हुआ क्या था, ये औरैया से दिल्ली तक गए थे स्कूटी चला के कंटिन्यू बिना रुके, तो इस वजह से दिक्कत आ गई थी। कानपुर का मेट्रो जो है वो दिल्ली से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आप दिल्ली मेट्रो में गए होंगे, मतलब लेकिन है पूरा गाली, कोई नहीं है यहाँ पे, सन्नाटा। अभी एक गाड़ी निकल गई, हमने उसको जाने दिया, मैंने कहा थोड़ी देर बैठता हूँ यहाँ पे, साफ सफाई बहुत ज़्यादा है। बस हम दो लोग हैं, हम दोनों के अलावा कोई नहीं है तीसरा, कोई गार्ड पूरे प्लेटफॉर्म पर वहाँ तक कोई भी नहीं है, एक गार्ड बैठे, गार्ड बैठे हुए बस, कोई नहीं ना उस तरफ ना इस तरफ। बढ़िया सफ़र है यहाँ से रावतपुर से LLR जाना, यानी कि हेलट हॉस्पिटल तक, लाला लाजपत राय तक, 10 रुपये का मात्र टोकन है, और ये इस तरीके का मिलता है, ये दिखा दिया था। वेट कर रहे हैं, ट्रेन आती है, ट्रेन आती है, फिर चलते हैं LLR, और वहाँ से गोविंदपुरी के लिए ट्रेन पकड़ेंगे।
अनाउंसमेंट सुन लिया, ट्रेन के अंदर म्यूजिक ना बजाए, ना बजाए, मतलब संगीत की अनुमति नहीं है। अभी तक तो कुछ भी नहीं है, सन्नाटा साफ पड़ा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है एकदम, पूरा स्टेशन देख सकते हैं आप, ऑरेंज कलर में भगवा कह सकते हैं, भगवा कलर में है। और ये पीछे ग्लास लगा हुआ है, काफ़ी दूर तक आप देख सकते हैं मेट्रो इधर से आती है। अगर इस तरीके के आपने कई सारी सिटीज़ में देखे होंगे तो काफ़ी दूर का इसमें चित्र दिखाई देता है, और जब मोड़ वोड़ होते हैं वहाँ लगे होते हैं। अब हम वेट कर रहे हैं बस, जल्दी से ट्रेन आए और हम चलते हैं। ये देखिए मेरी सवारी आ चुकी है, भीड़ बिल्कुल भी नहीं होती कानपुर मेट्रो में। ये पीली रेखा है, पीली लाइन है जो इससे पीछे खड़ा होना होता है। चलिए हमारी ट्रेन रुक चुकी है, काफ़ी चौकन्ने हैं यहाँ के गार्ड। तो दोस्तों अभी हम बैठे हैं मेट्रो के अंदर, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा शांति है और भीड़ तो बिल्कुल भी नहीं है। भीड़ छोड़िए आप, जो सीट्स हैं वो तक खाली पड़ी हुई हैं, वो भी कवर नहीं है ठीक से। आगे कुछ पैसेंजर्स हैं थोड़े ज़्यादा बैठे हुए हैं, बाकी का पूरी मेट्रो देख सकते हैं आप खाली है। और यहाँ से देखिए ये बाहर का लोकेशन है कानपुर सिटी का, LLR हॉस्पिटल के सामने। सिर्फ एक मिनट लगा होगा रावतपुर से LLR, बहुत शांति है। मैंने दिखाया था वीडियो में कितनी शांति कानपुर मेट्रो के अंदर, बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई है, दिल्ली से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। और उसका कारण यह है कि दिल्ली का मेट्रो ज़्यादा बिजी रहता है, अभी ये मेट्रो इतना बिजी है नहीं, 6-7 स्टेशन बने हुए हैं। दोस्तों अभी मैं हूँ गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन पर, और ये मालगाड़ी खड़ी देख सकते हैं आप, इसी वाली ट्रैक से अभी हमारी जो मेमो ट्रेन थी फपुन तक ले जाती मुझे, वो गुजर गई। मैं इस ओवरब्रिज के ऊपर था ई रिक्शा पे, ई रिक्शा काफ़ी स्लो चलता है, तो रास्ते में ट्रैफिक भी मिला और कुछ सवारियों की वजह से लेट हो गया, और मैं भी लेट होता रहा वीडियो शूट करता रहा, तो इस वजह से एक मिनट बस लेट हुआ। इससे नीचे आना था मुझे और ट्रेन मिल जाती, ट्रेन चली गई, कोई बात नहीं जाने दीजिए, दूसरी आएगी, अब 2-2.5 घंटे वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस वाले वीडियो मैंने किस तरीके से आपको पूरी बात बताई, पिछले वीडियो में बताया था रक्षाबंधन वाले दिन किस वजह से लेट नाइट में घर पे पहुंचा था और क्यों वीडियो नहीं आ पाया था, शिवम की कुछ प्रॉब्लम थी उस वजह से मैं पूरे दिन यहाँ रहा। 30 तारीख के था, तो पूरा आज के वीडियो मैंने दिखा दिया, सुबह कैसे मैं MRI सेंटर गया, फिर किस तरीके से डॉक्टर साहब के पास गया, वहाँ से मेडिसिन्स ली और कुछ मेट्रो स्टेशन दिखाए आपको, और उसके बाद अभी गोविंदपुरी स्टेशन पर खड़ा हूँ। अब वेट कर रहा हूँ मेरी गाड़ी कब आएगी। तो यहाँ आया था, प्यास लग रही थी, एक चीज़ आपको दिखा देता मैं, थोड़ा हँसी आई मुझे देख के, ये देखिए सिस्टम, आप समझ नहीं पा रहे होंगे सिस्टम का मतलब क्या है। इसमें लिखा है एल्विस चॉइस ऑफ इंडियंस, ये पैकेज ड्रिंकिंग वाटर की बोतल है, तो ये मैंने यहीं से ख़रीदी थी। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही, आज 2 सितंबर हो चुकी है और सितंबर के महीने में इतनी ज़्यादा गर्मी बहुत कम होती है, ऐसा लग रहा है जैसे मई जून का महीना हो, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। तो दोस्तों आज का ये जो वीडियो था इसमें मैंने आपको सारे जो भी था क्लियर कर दिया, सब कुछ बता दिया और थोड़ी मौज मस्ती भी दिखा दी कानपुर मेट्रो की, तो सारा कुछ ठीक रहा, आप लोगों की आशीर्वाद और दुआ की वजह से सब कुछ ठीक निकला। रिपोर्ट जो डॉक्टर्स को दिखाई थी कुछ गड़बड़ नहीं हुआ और कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं बताई डॉक्टर ने, तो सब कुछ ठीक रहा आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से। और आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। और ट्रेन चल रही है, थोड़ी देर में हम भी चलेंगे अपने घर की तरफ, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आप अपना ख्याल रखिए।